हेलो गाइस, वेलकम टू पीपी ब्यूटीज़। आज मैं बैक टू बैक दो वीडियोस बना रही हूँ, और जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ वैनिटी बॉक्स, मेकअप बॉक्स कह सकते हैं इसे। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। ये मैंने 2017 में बाई किया था अपनी शादी के टाइम पे। मैंने इसे ऑनलाइन नहीं ख़रीदा है, बट मैं इसका रिव्यू इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और ये कितना अच्छा होता है मैं वो शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें पासवर्ड भी हम सेट कर सकते हैं। अगर समझ लो कि आप अब किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हो, किसी ब्राइडल को करना चाह रहे हो, किसी की शादी होने वाली है, किसी की इंगेजमेंट होने वाली है, हम उसको गिफ्ट करना चाह रहे हैं, या तो अगर आप दूल्हे हो, अगर आप दुल्हन को करना चाहते हो, तो आप एक काम करो, इसमें सारा सामान रखो, इंगेजमेंट का सामान रखो, इसको लॉक कर दो। उसके बाद वो खुद ही फ़ोन करेंगे आपसे पूछने के लिए कि इसका पासवर्ड क्या है। तो मैंने पासवर्ड नहीं सेट किया है अभी, तो क्या सेट करना है, तो इतने टाइम हो गए। तो मैं दिखाना चाहूँगी, अभी मैं ये आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो सामान रखे गए हैं वो अभी आप कह सकते हो कि 2, 2.5, 3 साल से इसमें सामान ऐसे मैं रखती जा रही हूँ, जो मैंने अरेंज बहुत अच्छे से नहीं किया है। बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये बॉक्स होते हैं। जिनके पास नहीं है उन लोगों को ये वीडियो बहुत फ़ायदा करेगा। आप देखो, जो लेना चाह रहे हैं, जिनकी नई नई शादी होने वाली है, आप प्लीज़ इसको देखो और इसे ख़रीदो। बहुत कॉस्टली नहीं आता। आई थिंक मैंने इसे 1500 में ख़रीदा था। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत अगर कहीं से टच हो जाए तो ये टूटता नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, स्टील का है। तो सो गाइस, मैं इसको खोलती हूँ। अब जैसे कि मैं अभी इसको बंद करी, अगर इसको मैं ऐसे पुश करूँ तो ये पीछे चला जाता है। सी, इसे इधर को पुश करना होता है, राइट में पुश करो, ये खुल जाता है। हाँ, बट ध्यान से, इधर उंगली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चोट लगेगी। तो मैंने ये 2 लेयर्स का लिया है। आई थिंक ये 3 लेयर्स का भी आता है। और ये मैंने कुछ इसमें इयररिंग्स रख रखी है। मैं बहुत ही जल्द अमेज़ॉन से बाई करने वाली हूँ इयररिंग बॉक्स। मैं इसे अरेंज करके आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अभी तो इसी में मैंने सब कुछ रखा हुआ है। और इयररिंग्स के बारे में क्या बताना, आप अगर चाहोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, अगर आप देखना चाहते हो कि मेरे इयररिंग्स के कलेक्शन में क्या क्या है। अभी तो आप ऐसे ही देख सकते हो, मेरे सारे इयररिंग्स इसी में। मेरे पास बहुत सारे इयररिंग्स नहीं हैं। तो हम मूव करते हैं इसकी तरफ। तो इसमें गाइस यूज़ किया गया है वेलवेट। वेलवेट कह सकते हैं कि जैसे जो ब्लाउजेज होते हैं, जो वेलवेट वेलवेट यूज़ किया गया है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, आप देख सको। 3 साल हो गए मुझे इसे लिए। ये मैंने वाराणसी से बाई किया था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मुझे ये मिल गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने खुद के लिए ही ख़रीदा था, ये मुझे मिला नहीं था कहीं से। मैं चाहती थी कि एक हो मेरे पास, कुछ सामान रखने के काम आ जाता है। सी, इसमें 2 लेयर्स हैं और इधर भी आपको 2 लेयर्स मिलेंगे। इधर 2 लेयर, इधर 2 लेयर, इतने लेयर्स होते हैं इसमें। आप इजीली सामान रख सकते हो। इसमें मैंने इयररिंग्स रखी हुई हैं अभी तो, और ये रखे हुए हैं, और इसमें भी कुछ इयररिंग्स हैं। अंदर बॉक्स आप देख सकते हो कि मैंने इस बॉक्स को रखा है, तभी अंदर जगह है। अभी मैं इयररिंग्स के बॉक्स मंगाऊंगी तो वो ये सेट करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ है। इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ की गई हैं, देखो, ये भी वेलवेट का ही यूज़ किया गया है। पूरी बॉडी वेलवेट की है। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। मैंने सिल्वर इसलिए लिया है, मुझे थोड़ा क्लासी लगा और अच्छा लगा। ऐसे जनरली पार्लर्स में यूज़ होते हैं। रेड मुझे नहीं अच्छा लगता उतना। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, जिनकी नई शादी होने वाली है। बट नई शादी कब तक रहेगी, हमेशा तो रहेगी नहीं। तो वो रेड रेड मतलब मुझे नहीं पसंद है, तो मैंने वो नहीं लिया है। इसमें मैंने कुछ ऐसे सामान रखे हुए हैं जो मैं कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो उसको मैंने इसमें रखा हुआ है। तो ये इस आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा लो कि इसमें कितना जगह होगा। इतना स्पेस है, ईजिली आप इसमें कोई भी सामान रख सकते हैं। मैंने इसमें इयररिंग्स रखी हुई है, बट इसमें आप कॉस्मेटिक्स भी रख सकते हैं, लिपस्टिक रख सकते हैं, फाउंडेशन, अपने मेकअप ब्रशेस, बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी जा सकती हैं। तो बहुत ही इजीली आप इसमें रख सकते हैं। इतना जगह इसमें मिलता है कि मैं ज्वेलरी बॉक्स ले तो रही हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ज्वेलरी बॉक्स ले लूँगी, इसमें उसमें कर दूँगी तो इसमें क्या रखूँगी, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है। बट अभी तो लेना ही है, एक चीज़ ले लो तो उसके बाद कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने वो ले लिया। और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। फेविक्विक है, कुछ चीज़ें टूट जाती हैं तो बनाने के काम आता है। और सी, ये मैंने मंगल सूत्र, क्या कह सकते हैं इसे, सिंदूर है ये मेरा, जो मैं
यूज़ करती हूँ लगाने के लिए। और ये एक सिंदूर का डिब्बा खुल गया है, ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था। और दिस इज़ अ प्योर स्टील बॉडी है, ये पीतल की है। ये थोड़ी गंदी हो गई है, मुझे इसे साफ़ करना है। और अब कहाँ इतनी जनरली, अब ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ हो रही हैं मार्केट में, अभी तो नेचुरल हर्बल पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा मुझे ये बॉक्स लगा कि इसमें बहुत ईजिली आप सामान रख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी। कॉस्मेटिक्स रख सकते हैं आप, प्लीज़ अपनी सिस्टर को, मदर को और गर्लफ्रेंड को, आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं अब बिल्कुल बेखौफ करो, मतलब कोई टेंशन लो ही मत कि ये ख़राब होगा। हाँ बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन मंगाने पर मे बी ये चादर पतली हो सकती है। आप देखो इस चादर की मोटाई इतनी है इसलिए ये स्ट्रांग है, आप इसे लो। बट ऑनलाइन ले रहे हो तो रिटर्न पॉलिसी देख कर लीजिएगा, क्योंकि अगर चादर पतली होगी तो इतना अच्छा लुक नहीं आएगा और मे बी कहीं टच हो तो वो टूट भी सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप इसको अगर दुकान से मिल जाता है तो दुकान से बाई करें, ये बहुत ईजिली बंद हो जाता है सी, और ईजी टू हैंडल है, ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं। हाँ थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट एक जगह सारा सामान रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब आप कहीं जा रहे हो सारा मेकअप का सामान आपने एक जगह रखा हुआ है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एक जगह रखा, निकाला, मेकअप यूज़ किया, फिर बंद कर दिया। सो गाइज़ आपको मेरा इस बॉक्स का रिव्यू कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ बताएं। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाती हूँ, शायद बना ही नहीं पाती हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जितनी चीज़ें यूज़ की हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो मैं इसको आपको हर तरफ से दिखा देती हूँ, आप पीछे से भी देख लो, ये पूरा स्टील है, इसे बहुत अच्छी फिनिशिंग दी गई है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा, कुछ कमेंट में करें और लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइज़। मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरत है लाइक और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। और हमारे हस्बैंड और मेरी तरफ से बस सेफ न्यू ईयर, आप बहुत ही सेफली मनाएं और कोरोना में बाहर ना जाएं। अगर कोई मेरा नहीं वीडियो आता इसलिए मैंने अभी शेयर कर दिया, तो मेरा कोई नया वीडियो मैं पूरी कोशिश करूँगी बनाऊँ। मैं ज्वेलरी बॉक्स मंगाने वाली हूँ तो उसे अरेंज करके आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।